ठीक यहाँ बसो बसो सेट आइए यहाँ, इसका बर्तन ला दे। नो लड़ाई। उसमें से निकाल के दे देना इसको भी थोड़ा सा, ये घूर। राइस बन चुका है हमारा एक टब भर के, और गुड मॉर्निंग गाइस, आज सभी का मोनिकाज व्लॉग में स्वागत है और सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी दीपावली के दिन हमारे यहाँ होता है कुक्कुर पूजा। घर के जो कुत्ते पालते हैं हम लोग, चाहे ना जो नहीं भी पालते बाहर के, उसको डॉगी वगैरह की पूजा करते हैं हम आज। मतलब जो हमारे उसके हैं उनको तो पता है, जो नहीं जानते उनके लिए बता दी मैं, ठीक है। जो हमारे गुरु खाली नेपाली हैं उनको तो पता है आज कुक्कुर पूजा है, जो नहीं है तो उनके लिए बता दी मैं। तो ये आज बनेगा इनके लिए चावल के आटे में मीठा डाल के घी में मीठी रोटी बनेगी। तो वैसे तो डॉग उसका करते हैं, हमारी तो डॉगी है पर हम उसका पूजा करते हैं क्योंकि हमने पाल रखा उसको। एक उसके लिए बनेगा और एक बाहर का कोई डॉग होगा तो उसके लिए बनेगा, दो बनाऊंगी। बना मैं इसलिए रही हूँ पहले कि बना के रख देती हूँ कि ठंडा हो जाएगा, मुझे पूजा वूजा करनी है, नहीं तो गर्म गर्म होएगा तो खाया नहीं जाएगा उन लोगों से। ये बना के फिर पूजा के बर्तन धो के फिर मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद तब तक 15-20 मिनट लगेगा, तब तक ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। मैं इसे बनाती हूँ पहले। अभी मैं दुकान नहीं गई हूँ, 9:30 हो रहा है अभी। अब इसको पूजा करने के बाद ही जाऊंगी क्योंकि उसके बाद में आ नहीं पाऊंगी। शिवा को बोल दिया मैंने, फूल माला बना दी थोड़ा सा उनके लिए, ज़्यादा फूल तो है नहीं, थोड़ा सा 2-3 फूल लगा के आगे आगे माला बना ही देगी। तब तक ये मैं पूजा करती हूँ, फिर 10:15 तक निकल जाऊँगी दुकान, फिर मैं आऊँगी शाम को 3:30-4 बजे तब बैठ के फिर बनाना है फिर आइटम वगैरह। आज तो एक ही बनेगा, कल बनेंगे और कड़ी दिवाली में। तो गाइस बन गई है मेरी रोटी, एक बिल्कुल अच्छी बनी एक टूट गई, चावल का आटा टूट ही जाता है बढ़ते समय पलटते समय, कोई नहीं खा रही, बन गया है कच्चा नहीं है, बन गया अच्छे से। तो ये बन गया है गर्मा गर्म इन लोगों के लिए, गर्मा गर्म तो खाएंगे नहीं, थोड़ा ठंडा होगा तभी खाएंगे। तो मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, बर्तन धोती हूँ पूजा का, फिर पूजा करके उसके बाद इनका पूजा करके दुकान भागती हूँ। तो गाइस हो चुकी है थाली तैयार कुकुर त्योहार का, और हमारी स्वीटी हो चुकी है तैनात फूमाला का इनका। इधर स्वीटी, यहाँ यहाँ जल्दी यहाँ स्वीटी यहाँ बसो बसो सेट आइए यहाँ, इसका बर्तन ला दे उधर से, उधर यहाँ यहाँ ले छुट्टी ले यहाँ आ खाने को लागे बस लगे ले माला लगा दे, रिवंशी खाने माला बना रखा इसकी, ले लगा दे वाह ले। अरे खाओ खाने में भी तो रख रहा है इसके। ये देखो हीरोइन बन गई हमारी स्वीटी, स्वीटी देख हाथी, अब दूसरा डॉगी ढूंढते हैं, चल कहाँ है दूसरा, कहाँ दिखा, कहाँ गया दूसरा, ले ले डॉगो ले, वो देखने कैसे देखा हूँ आप।
चलो बैठ पकड़ी अरे के होइन के इसको माला लगाने देगा ये इसको एक जना कोई भी उसमें से निकाल के दे देना इसको भी थोड़ा सा ये घूर रही है तो दे दे हमारी सूटी ने खाया पूरा हो गया हमारा कुकुर त्योहार खाली उठा लेना मुझे का लगा दो थोड़ा थोड़ा से खा लिया इसने खा लिया पूरा हीरोइन ने ए हीरोइन इले खाची नहीं इस बट्टी लग दे आता थोड़ा सा अरे पसार से फिर इला बाहर लग ले जरा घूमने फिर बंद कर राजा शॉप से आ गई थी मैं गाइस 3 बजे और आके थोड़ा सा हल्का आधा घंटा रेस्ट किया खाना खाया अब बना रहे हैं हम डिश ये पानी डिश पीनी सबके घर में बना होगा आज बना होगा किसी किसी कल बना लिया होगा कोई कल बनाएगा नहीं टाइम के हिसाब से मैं आज बना रही हूँ तो ये मैंने आटा लगा लिया इसमें मैदा और रिफाइंड डाल के पहले मोयन किया खूब अच्छे से कल का पानी डाल के ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा गीला भून के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था वो ये रेडी अब इसके पीसेस किए जाएंगे बनाते हैं फटाफट तैयार हो गई पहले बराबर बराबर काटेंगे इक्वल डेढ़ किलो जितना है मैदा 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा बिगड़ गया हिसाब किताब तो फिर नहीं बनी अच्छी फिर वो बड़ा चैलेंज है ठीक है तो फिर इसकी रेडी तो इसके लिए घी देसी घी देसी घी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है डालडा में भी कर सकते हैं पहले इसको हाथ से फेटेंगे जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में नहीं हो जाता अच्छे से इसको करके घी कितनी बढ़िया खुशबू आती ये हो गया है क्रीमी टेक्सचर देख लो आप अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालेंगे इसको भी इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा रख के एक साथ में डालेंगे नहीं तो मतलब उससे हो जाते हैं बीच में तो ये हो चुका है रेडी दामन बोलते हैं इसको
टेस्टी होगी पानी में। ऊपर तेल लगा के नीचे जाएगा। परफेक्ट गाइस, ऊपर आ गया है, बढ़िया आ गया है यार। कम से कम वेस्ट करना चाहती हूँ, वेस्ट करूँ वेस्ट करूँ, उसके मैं बनाऊँगी। शक्कर पानी आ गया, अब इसमें जो बनाया था ना फिर बनाए वही ज़्यादा नहीं करना है, इसमें लॉट्स ऑफ घी है। बेलती हूँ मैं फटाफट, कह रहा था उसे बच्चों को नहीं दे रही इसमें।
सर। राइस बन चुका है हमारा एक टब भर के, और डेढ़ दो घंटा लग गया इसको तलते तलते, थक गए बुरी तरीके से। 6 बज गए पूरे, एक घंटा लगे मेरे, 5 बजे 4:30 बजे स्टार्ट हुई थी, मतलब बेलना शुरू करा था 4:30 बजे, ऐसे तो मैं 3:30 बजे से लग गई थी, थक गई। अब जाती हूँ शॉप फटाफट, पूजा मंची का कर देगी आज शाम का, मैं दुकान जाती हूँ, दुकान भी अंधेरा हो रहा होगा, लड़ी बड़ी लगाती हूँ, जलाती हूँ, मतलब कमर भी दर्द हो गई। बाकी कल बनेगा आइटम, 2 आइटम और बनेंगे कल, दाल की पकौड़ी और सिल रोटी, कल शाम को बना। खाने वाला तो कोई है ही नहीं, बेटे का फ़ोन आया था अभी, बोल रहा है कि मम्मी खाने, मैं तो बोली तो परा किसके ले रहे हो, ये इतना खाती नहीं है, मैंने बांटने के लिए, मैं भी नहीं खाती, उसे पता है बनाने का शौक है बस, मुझे खाने का इतना शौक नहीं है। इतना सारा बन गया इस बार, मैं तो सोची थी कम पड़ेगा, मैंने 1.5 किलो 1.25 किलो का बनाया, मुझे वही कम लग रहा था, मैंने कहा मैं कम तो नहीं बना रही हूँ, जब बना, जब उसके गोले बने तो बन गए 70-80 पीस बन गए। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, पहले फ्रेश थोड़ा सा हाथ मुँह धो, पिची वो डाल रही थी ना, क्या बोलते हैं उसे, बुरा उसके पीसी भी चीनी तो पैर में भी गिर रखे, चिपचिप हो रहा। आज की पूजा गाइस वंशिका कर रही है, क्योंकि मैं जा रही हूँ शॉप, मैं पूजा करने लगूँगी तो मुझे और लेट हो जाएगा, फिर मुझे नहाना भी पड़ेगा, ये नहा गई थी शाम को, तो मैंने इसे बोला कि पूजा तू कर ले आज, ये भी लगा देगी। उधर पीछे रख दे, बाथरूम में रख दे, एक और यहाँ बाकी स्टूडियो में। तो गाइज आ गई मैं 9:45 बजे शॉप से, बच्चों को खाना वाना खिलाया, वहाँ पे 3-4 बच्चे थे, थोड़े से परांठे बेचे, बर्तन धोए ढेर सारे, पूरी भीग गई हुई नीचे, और ऊपर से उसका सिंक का पाइप निकल गया, वो पता नहीं कैसे पूरा पानी के चिट्टे चिट्टे पैर में, क्योंकि कल मैं शायद क्लोज रखूँगी शॉप, तो पूरा सफाई करके आई, बर्तन वर्तन सारे जूठे नहीं रखे, सारे धो के आई, तब टाइम लग गया मुझे आते आते। तो अब खाते हैं खाना थोड़ा सा, फिर कल की तैयारी है, कल बड़ी दिवाली है, कल सुबह से लगनी है, वो सजाना है कल, तो पूरा फूल वूल वो ला के, कल फूल भी लेके आऊँगी मैं बाजार से, जो लेके आ रखे पहले वो सजाएंगे, और सबको मिठाइयाँ देने जानी है। ठीक है गाइस, तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब के लिए बाय एंड गुड नाइट।